एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर द वे वी लिव, द वे वी लिव, वो तरीका जैसे हम रहते हैं, ठीक है, हमारे रहने का तरीका। तो ये जो वीडियो है क्लास फोर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। बच्चों एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है, आपके चारों ओर की जो सराउंडिंग्स होती है, यानी कि आपके चारों ओर का जो एरिया होता है, उस एरिया में चाहे वो लिविंग थिंग्स आए चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब आपके क्या होते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो सांस लेते हैं, जो चल सकते हैं, जिनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं जिसके अंदर होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जिनके अंदर ये सारे प्रोसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, जिसका हमारे जो है लाइफ से कुछ रिलेशन होता है, उसके बिना जो है हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। जो भी फैक्टर्स जो है हमारे चारों ओर हैं, जो हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उन फैक्टर्स से ही हमारा जो है एनवायरनमेंट बनता है। तो हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे चारों ओर जो होते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं, एनिमल्स आ सकते हैं, इंसेक्ट्स आ सकते हैं, और फिशेज आ सकती हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, ये सब जो है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जिनके अंदर जो है डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। नॉन बायोटिक में क्या होता है, जिनके अंदर ये सारे प्रोसेसेस नहीं होते हैं, वो नॉन बायोटिक में आते हैं, जैसे है लैंड है, एयर है, वाटर है, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं इंक्लूड किए जाते। तो ये जो होते हैं नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एक्चुअली में एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे चारों ओर की जो सराउंडिंग जो हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, सराउंडिंग में कई चीज़ें हो सकती हैं, वो लिविंग भी हो सकती हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमारे ऊपर इफेक्ट डालती हैं और हमारे चारों ओर सराउंडिंग्स में होती हैं, वो सारा मिलके क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए एनवायरनमेंट जो है वो हमारा क्या हो रहा है, हम एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन अब एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उसका यूज़ हम अच्छी तरह से अगर नहीं करते तो उससे क्या होता है, हमारी लाइफ में बैड इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ अगर हम ज़्यादा करेंगे या उसको वेस्ट करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कोयल और ऑयल के से बनती है। पावर हाउस में, एक पावर हाउस एक जगह होती है जहाँ पे कोयल और ऑयल से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब आपको पता है कि कोयल और जो ऑयल होते हैं वो हमारे जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसी तरह से जो हमारे फ्यूल्स वगैरह होते हैं उसमें हम ये सब यूज़ करते हैं, गाड़ी वगैरह चलाते हैं, स्कूटर और कार है, सब कुछ चलाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम इसका जो है कुछ क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर हम इसका ओवर क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ इसलिए हमें कम करनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी पेट्रोल और जो है सॉरी कोयल और ऑयल से होता है, ठीक है। तो अगर इतना कोयल और ऑयल हम यूज़ करेंगे तो इनको बनने में भी बहुत टाइम लगता है, बनने में भी टाइम लगता है, प्लस ये जो होता है इनका इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो था हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। अब क्या है हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ इंक्लूड हो जाती है जो हमारे लिए अनवांटेड है, हमारे लिए हार्मफुल है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अनवांटेड है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो क्या कहलाती है, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन
कहलाते हैं। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में बहुत सारे पॉल्यूशन हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, तो बहुत सारे पॉल्यूशन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। अगर लैंड में हो रहा है तो लैंड पॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉइल में हो रहा है तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर में है तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में अगर कोई अनवांटेड चीज़ें मिल जाएंगी तो वाटर पॉल्यूशन होता है। इस तरह से जो है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, मीन्स जब हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि जो चीज़ें हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लैंड, वाटर और जो एयर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, तो ये भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। अब अगर इन्हीं के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ेगा तो ये हमारे ऊपर तो बुरा इफेक्ट डालेंगे ही ना। जब यही अच्छे नहीं है, यही पॉल्यूटेंट है, तो हम हमारे ऊपर अच्छा इफेक्ट कैसे डालेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। और जो अनवांटेड चीज़ें इसमें मिल जाती हैं, इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स। अनवांटेड थिंग्स जो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती हैं, उससे हमें बहुत सारी डिजीजेज भी हो सकती हैं। तो जैसे हमें वाटर पॉल्यूशन से डायरिया हो सकता है, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो डायरिया हो सकता है, एयर पॉल्यूशन से हमारे ब्रीथिंग से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हमें कॉज हो जाती हैं, हमें हार्म पहुँचाती हैं, ठीक है। अब इसी के इफ़ेक्ट हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, जो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट हैं। अब बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। अब हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, अब कैसे बढ़ती है, देखिए अगर हम ट्रीज़ जो है प्लांट नहीं करते हैं या ज़्यादा ट्रीज़ कट करते हैं, ट्रीज़ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि ट्रीज़ होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सॉइल से जो है वाटर एब्जॉर्ब करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में वो जो है अपना फूड खुद बनाते हैं। मेन बात ये है कि वो इस फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उनको मिलती है, जो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। अब हम एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और अभी हमने बताया कि वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, लेकिन ट्रीज़ इनका यूज़ करके क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं। तो दो तरह से ट्रीज़ होते हैं हेल्प कर रहे हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को प्योर कर रहे हैं, और दूसरा है कि वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो इस तरह से ट्रीज जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर आजकल के ज़माने में हमें रहने के लिए जो है पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो रहने के लिए मकान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ कट कर रहे हैं, बहुत क्वांटिटी में ट्रीज़ कर रहे हैं और प्लांट कर नहीं रहे हैं। तो इससे क्या है, ट्रीज़ की जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो गैस है सन की हीट को ज़्यादा ट्रैप करती है, सन की हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। अब सन की हीट को ये गैस ने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो उससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ये जो गैसेस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन सी गैस होती है मेन इसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए मेन होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा इसमें मीथेन गैस भी होती है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हमारी अर्थ में ज़्यादा हीट हो गई, हीट ज़्यादा हो गई तो क्या होते हैं कि जो ग्लेशियर्स आपने सुने होंगे कि आइस के जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड आइस को हम ग्लेशियर्स कहते हैं, तो वो ज़्यादा उसको हीट मिलेगी तो क्या होगा कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा पानी आएगा तो उससे क्या होता है, फ्लड आने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ जाने से वो ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेता है। ज़्यादा हीट ट्रैप करने से क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे क्या होगा कि जो है ज़्यादा पानी बहेगा जिससे कि फ्लड आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है बच्चों, आपने बारिश के बारे में तो सुना ही होगा कि रेन क्या होता है, ठीक है। रेन में क्या होता है, सिंपल क्लाउड से जो है पानी नीचे आता है। अब एसिड रेन क्या होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो ये सब गैसेस जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, यानी कि ये होती है ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में और नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो गैसेस हैं, जब बारिश हुई एटमॉस्फेयर में ये गैसेस हैं, ये गैसेस क्या होती हैं, ये बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं। अब बारिश के पानी के साथ मिल जाती हैं तो उसको ये एसिडिक बना देती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। एसिड रेन हमारे लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है और ज़्यादातर ये जो होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए नुकसानदायक होता है। एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, जैसे फिशेज वगैरह होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एसिड रेन उनके लिए किस तरह से नुकसानदायक है, हमें पता है कि बारिश का जो पानी है वो कहाँ जाता है, वो नदियों में जाता है, जो है रिवर्स में जाता है, और रिवर्स में ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उनको क्या होगा, सांस लेने में परेशानी हो जाती है। अब सांस लेने में परेशानी हो जाती है तो दे बिकम डाई, वो मरना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से एसिड रेन उनके लिए नुकसानदायक होती है। दूसरा जो एसिड रेन है वो हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए के भी नुकसानदायक होती है। आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है वो एकदम वाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों कन्वर्ट हो रहा है, एसिड रेन के कारण। जब बारिश का पानी जो है ताजमहल पर पड़ता है तो ताजमहल का जो वाइट मार्बल है वो धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि एसिड जो होता है मोस्टली येलो कलर का होता है, तो वो येलो का कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से जो एसिड रेन है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है अपने जो भी हम डेली में काम करते हैं तो इस तरह से काम करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे। अगर एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी इफेक्टेड हो जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव अ नाइस डे, बाय।